मैं आ गया इस समय रईस अहमद की नर्सरी, और ये रईस जी हैं। आप अपना सबसे पहले ये बताइए, परिचय बताइए, आपकी नर्सरी कहाँ पर है? ये हमारी नर्सरी जो है मलियाबाद यूपी लखनऊ में पड़ती है। हमारी नर्सरी का नाम है रईस अहमद नर्सरी मेरी नर्सरी का नाम है जी। अच्छा ये बताइए, कोई आपकी नर्सरी अगर आके पौधे लेना चाहे तो वो कैसे, लखनऊ से अगर आना चाहता है तो किस तरह से आएगा? तो वो ये हमारी नर्सरी मलियाबाद में पड़ती है, अगर लखनऊ से आते हैं वो हरदोई मलियाबाद में पड़ती है कि मुजासा में पड़ती है? हाँ मुजासा मलियाबाद, ऐसा नहीं है, हुआ है जी। जो आप पूरा एड्रेस बताइए तभी कोई आप आएगा, नहीं भ्रमित हो जाएगा। पूरा हमारा जो है मुजासा मलियाबाद लखनऊ है हमारी जो नर्सरी जहाँ पे पड़ती है। दाहिने हाथ पे है कि बाएं हाथ में अगर लखनऊ से आएगा तो? लखनऊ से अगर आएंगे तो सीधे हाथ पे जो है हमारी नर्सरी पड़ेगी। अच्छा ओवर ब्रिज के नीचे? हाँ ओवर ब्रिज, देख लीजिए इनकी नर्सरी ओवर ब्रिज के नीचे है। और इनके पास ये इन्होंने इतनी सारी वैरायटी निकाल के रखी है मैंगो की, और मैं आपको अभी बताऊंगा, इनसे पूछूंगा कौन कौन सी वैरायटी इनके पास है। और ये बताइए कि आप ऑनलाइन पौधे सेल करते हैं कि नहीं करते? हाँ हम ऑनलाइन पौधे भेजते हैं ऑल ओवर इंडिया में, कहीं से भी आप हैं घर बैठे पौधे मंगवा सकते हैं हमारी नर्सरी से। और हमारी नर्सरी से कोरियर से भी पौधे भेजे जाते हैं और ट्रांसपोर्टिंग के जरिए से भी पौधे भेजे जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी पैकिंग किस चीज में पैकिंग करते हैं आप पौधों को भेजने के लिए? हम अगर ट्रेन से पौधे अगर भेजते हैं तो वो बोरी में जो है बढ़िया से पैकिंग करके उनको भेजते हैं। अच्छा और बाकी अगर DTDC कोरियर से भेजते हैं तो पाइप वाली पैकिंग जो है हम करते हैं। जो पाइप की पैकिंग है वो आप करते हैं? आपको वीडियो में इनकी पाइप पैकिंग दिख रही होगी, ये इस तरह से वीडियो के अंदर जो पाइप पैकिंग आपको दिख रही है यही पैकिंग ये करते हैं। तो आप इनसे संपर्क करके आप इनसे पौधे मंगा सकते हैं अपना। अभी आप ये बताइए कौन कौन से पौधे आपके पास में है? सबसे ज्यादा हम दिखाना चाहते हैं जो हमारे पास अभी तैयार हुए हैं वो पूसा की वैरायटी है। पूसा की जो हमारे पास वैरायटी है वो दिखाना चाहते हैं। दिखाइए, काफी वैरायटी पूसा की है जो हमने तैयार की है जी। ये देखिए सामने पूसा श्रेष्ठा है, ये पूसा श्रेष्ठा। हाँ पूसा की वैरायटी अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं, पूसा श्रेष्ठा। अच्छा एक बात हम रोकेंगे आपको इसी जगह पे, ये बताइए आप कि ये जितने पौधे आप दिखा रहे हैं ये आप अपने पास तैयार करते हैं? आपका मदर प्लांट इनके हैं कि आप बाहर से मंगाकर बेचते हैं? ये हम बाहर से नहीं मंगाते हैं, हम खुद अपना जो है मदर प्लांट लगाए हुए हैं, खुद अपना बनाते हैं, सभी ओरिजिनल पौधे होंगे, एक पॉइंट उसमें गलत नहीं होगा। अच्छा अच्छा ये बताइए कि ऑनलाइन आपने पौधा भेजा और पौधा उसके यहाँ पहुँचा कस्टमर के यहाँ, टाइम लग गया, या कई बार क्या होता है DTDC कोरियर या कोई भी कोरियर XYZ उसने पौधा उठाया और लड़के ने पटक दिया पौधे को, मिट्टी डैमेज हो गई, कस्टमर क्या पौधा मरा हुआ निकला या उसकी मिट्टी टूटी हुई निकली, पौधा डैमेज निकला, उस पोजीशन पे आप क्या करेंगे? पौधा उसको वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? उस जो भी हमसे ये पौधे लेंगे अगर उनका पौधा नुकसान होता है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, हम पौधा फ्री दे देंगे। हाँ। लेकिन उनको कोरियर चार्ज देना होगा। हाँ। और जो हमने पौधे का सिस्टम बनाया है पाइप वाली पैकिंग करना चालू कर दिया, उसमें पौधे नुकसान नहीं होते। अच्छा आप एक बार उठा के पटक भी देंगे पूरे बंडल को, उसमें डैमेज नहीं होंगे। अच्छा अगर देखिए मैं आपको बता दूं, इनका कहने का मतलब है अगर आपका पौधा वहां पर डैमेज निकला, आपको जिस समय मिला पौधा और आपने पौधे की अनबॉक्सिंग की, पौधे को खोला, तो आप एक काम करिएगा, मैं इनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बराबर वीडियो में बोलता हूँ, आप एक काम करिएगा, क्योंकि आपको चाहिए, इनको चाहिए प्रूफ। उस प्रूफ के लिए आपको ये करना होगा कि जिस समय पौधे को खोलिए तो उसका वीडियो बना लीजिए, पूरा वीडियो बना लीजिए। उस समय पर अगर पौधा आपका गड़बड़ निकलता है तो ये नर्सरी वाले का नंबर, अपना नंबर बोलिए। हमारा नंबर है 80 90 14 83 71, ये इस पे व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पे जो है ऑनलाइन आके जो है मैसेज, जो भी शिकायत अगर इनकी है तो वो आप शिकायत इन्हीं के नंबर पर आप शिकायत इनको करिएगा। अब मैं इनको पास दिखाता हूँ कि इनके पास कौन कौन से पौधे हैं। दिखाइए आपके पास कौन कौन से हमारे पास पूसा की काफ़ी वैरायटी है, जैसे कि हम बता दें किसान भाइयों को, पूसा लालिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा अरुणमा, और CICS की जो वैरायटी है वो अरुणिका है, अंबिका है। इसी तरह से विदेशी नस्लें भी आम की हमारे पास में है, जैसे कि टॉमी अटकिंस है, सनसेशन है, और किंग ऑफ चकापात है, रेड आई वेरी है, बन्नई किंग है, ये सभी काफ़ी वैरायटी रखी हुई है आम की। दिखाइए उठा उठा के दिखाइए। ये जैसे देखिए ये पूसा का है, पूसा प्रतिभा है, ये टैग लगा हुआ है पूसा प्रतिभा, काफ़ी बढ़िया पौधा है। और पूसा का हम दिखाना चाहते हैं, ये पूसा का देखिए, ये पूसा का जो है श्रेष्ठा है, और पूसा लालिमा है, पूसा लालिमा है, और जो है सनसेशन है, ये देखिए सनसेशन है, और गौरजीत है, गौरजीत हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये गौरजीत मैंगो है, पौधे आप दिखा दीजिए गौरजीत, और पूसा अरुणिमा है, ये देखिए सारे पौधे एक एक करके हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए मल्लिका आम है, ये हाइब्रिड बड़ा हैवी है। बड़ा हाँ। बड़ा हैवी पूस जो है ना, इसका तना कितना मोटा तना है, तना काफी और मोटा, काफी ब्रांच वाला जो पौधा है, देखिए लगभग 1 2 3 4 5 ब्रांच का पौधा है ये।
और काफ़ी किसान भाई जो पूछते हैं, जो इस समय ट्रेंडिंग पे जो पौधे चल रहे हैं, जो ये अरुणिका है CICS का जी, ये देखिए इस तरह के पौधे होंगे, शिफ्टिंग वाले पौधे होंगे, पैकेट में मजबूत पौधे होंगे, एक भी पौधा इसमें डैमेज नहीं होगा। ये CICS का अरुणिका है, एक नंबर की क्वालिटी है। इसी तरीके से जो CICS का है वो दूसरा है अंबिका, ये पौधे होंगे इस तरह के और पॉली बैग में होंगे, मजबूत पौधे होंगे, एक भी पौधा इसमें डैमेज नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास काफ़ी ये सब वैरायटी है, सब सभी जो है पौधे दो दो रखे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारे पास बर्नई किंग है, विदेशी नस्ल का आम होता है, काफ़ी कलरफुल आम होता है। अच्छा राइस भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनके हाइट के हिसाब से पैसे आपके रहते हैं कि छोटा पौधा ब्रांच वाला पौधा, किस तरह से आप इनको इनके रेट बताते हैं? इनमें भाई जो है पौधे का रेट नहीं होता है, किसी पौधे का कोई रेट नहीं है, क्योंकि अच्छा, छोटे बड़े के हिसाब से इनका रेट होता है। अच्छा उधर कैमरे में बताइए। हाँ, इनका जो है फिक्स रेट एक ही नहीं होता है, अगर छोटा पौधा है सस्ता है, बड़ा पौधा है महंगा है, इस तरह से इनका होता है। अच्छा, कोई फिक्स रेट इनका नहीं होता है। अच्छा, जैसे अभी हमारे पास छोटा पौधा है तो कम का होगा, कभी बड़ा पौधा हुआ तो वो महंगा होगा, तो आज हम बता दें। अच्छा, पौधे एक समान तो मतलब आपके पास रहते नहीं है कि एक ही समान के पौधे हैं? अधिकतर एक ही समान के रहते हैं, लेकिन जो है वैरायटी हमारे पास काफी अवेलेबल रहती है, आम की काफी वैरायटी हमारे। देखिए भाई, अगर आम के पौधे आप इनसे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो इन्होंने काफी वैरायटी आपको दिखाई, आपने देखा अभी, तो आप इनका नंबर फिर से एक बार बोल दीजिए अपना नंबर। जो लोग भाई ऑनलाइन पौधा मंगाना चाहते हैं, मैंगो के किंग है, तो अगर आपको मैंगो के आम के पौधे मंगाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर बोलिए। हम किसान भाइयों को एक चीज और दिखाना चाहते हैं, जो मलिहाबाद की जो फेमस वैरायटियां हैं, जैसे दशहरी, चौसा, लेंगड़ा, बड़े साइज में, जैसे कि ये देखिए, ये दशहरी है, काफ़ी बड़ा पौधा है, लेकिन इसको बता दें किसान भाइयों को, ये जो है ट्रांसपोर्टिंग के ही जरिए जा सकता है, कोरियर से इतना बड़ा पौधा नहीं जा सकता है। और छोटे पौधे इस साइज के जो होते हैं, वैरायटी वाले रंगीन किस्में, ये जो है कोरियर से जा सकते हैं, बड़े पौधे नहीं जा सकते हैं। और ये हमारे पास जैसे मलियाबादी दशहरी पौधा है, और हम दिखा दें आपको, चौसा है यहाँ का जो होता है, अपने यहाँ का मलियाबाद का, ये देखिए, ये चौसा है, चौसा है, बनारसी लंगड़ा ये रखा हुआ है। इसी तरह से हमारे पास काफ़ी पौधे हैं, लेकिन ये जो है ट्रांसपोर्ट से ही जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के जरिए, कोरियर से नहीं जा सकते, ये बड़े पौधे। तो और इसके बाद में आपके पास और कोई वैरायटी है? हमारे पास में बहुत सी वैरायटी है, अभी जीघा की थोड़ी दिक्कत है, हमारे पास कम से कम आम की जो है इस समय 30 से 40 वैरायटी आम की है, और सबसे ज़्यादा हमारे पास इस समय पौधे हैं CICS के, अरुणिका और अंबिका, बाकी जो है पूसा की वैरायटी जी, जो अभी हमारे पास तैयार है ये पौधे पूसा की। देखिए सभी पौधे ओरिजिनल होंगे, रजिस्टर्ड बिल पे दिया जाएगा, एक भी पॉइंट उसमें कमी नहीं होगी पौधे में, हर सारे पौधे ओरिजिनल होंगे। अच्छा, पूसा के हम बता दें हमारे पास फिर से किसान भाइयों को, पूसा लालिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा अरुणमा और पूसा सूर्या, पूसा के पांच वैरायटी हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। बाकी CICS का अरुणिका और अंबिका, और विदेशी नस्लों में टॉमी एटकिंस है, सेंसेशन है, किंग ऑफ चकापात है, रेड आईवेरी है, बनाना मैंगो है, इसी तरह से और भी काफ़ी पौधे हैं। और किसान भाइयों को हम बता दें, हमारी नर्सरी से ऑनलाइन पौधे भेजे जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, आप कहीं से भी हैं, घर बैठे आप जो है हमको मैसेज या कॉल कर सकते हैं, और अपनी नर्सरी का हम नाम बताते हैं। हमारी नर्सरी राइस अहमद नर्सरी मलियाबाद UP लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ती है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 80 90 14 83 71। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।